Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will start the first chapter of new book. Chapter number 1, Introduction to Biology, session number 1. Student, most of the topic have been covered in our previous lecture using old book. Today we will revise it and new topic would be explained. In this chapter, we will learn about introduction of biology, definition of biology, division and branches of biology, and relation of biology with other sciences. And some Qurani instructs to reveal the study of life. Student, this is the introduction, page number 1. What is biology? You have also studied in your previous book. Bio mean life and logos mean reasoning or thought. So the biology mean the study of life. What is life? अगर आप किसी चीज को कहते हैं कि ये लाइफ है, जिंदा चीज है, तो उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव ऑल्सो लर्न इन क्लास 6. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, ग्रो, शो द रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड मूवमेंट. सो देर आर अबाउट 9 कैरेक्टरिस्टिक्स. For example, digestion, movement, excretion, respiration, growth, irritability, metabolism, development and reproduction. अगर किसी भी एनिमल में ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि इट इज अ लाइफ थिंग, इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं. सब चीजें आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. अगर एनिमल है तो मूवमेंट बहुत क्लियरली शो करते हैं, लेकिन अगर प्लांट है तो उनके ब्रांचेस, उनके लीव्स, उनके फ्लावर जो है वो मूवमेंट शो करते हैं. और प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है, ग्रोथ होती है, एक्सक्रीशन होती है, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन. तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर प्लांट में है या एनिमल में है, तो इट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसको डिटेल बताने की जरूरत नहीं, आप ये बहुत डिटेल क्लास 5 और 6 में पढ़कर आए. Now the first topic is the division and the branches of biology. Division and branches of biology, there are about 3 major division of biology. ये भी हम पहले पुरानी old book में पढ़ चुके हैं. Number 1 is a zoology, number 2 is a botany, and number 3 is a microbiology. Zoology means the study of animal, botany means the study of plant, and the microbiology means the study of microscopic organism. नंबर 3 इन अ न्यू बुक. आप अगर अपनी आपके पास नई बुक है तो पेज नंबर 3, और ओल्ड बुक में भी आप ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पेज नंबर 7 और 8 में होगा. आपने कॉपी भी काम किया हुआ है. देर आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. मॉडर्न बायोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स. एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी led to the division of biology into specialized branches. What is the meaning of specialized branch? अब अगर मैं कहूँ कि मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ मैं नहीं पढ़ सकती हूँ. तो डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिसको आप डिटेल में आप स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एनिमल है, उसकी सेल की स्टडी, उसकी जेनेटिक की स्टडी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से क्या रिलेशन है, ठीक है, सब चीज़ें हम कोई एक शख्स नहीं पढ़ सकता, या किसी एक ब्रांच में हम बहुत डिटेल नहीं पढ़ सकते. ये तमाम ब्रांचेस हम अपने ओल्ड बुक में पढ़ चुके हैं. मैं आपको सिर्फ नाम बता रही हूँ, सब चीज़ें हमने आंसर में भी लिखा हुआ है. नंबर 1, मॉर्फोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. नंबर 2, एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी. नंबर 3, सेल बायोलॉजी. नंबर 4, हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू. फिजियोलॉजी,
the study about the function of living organism. Taxonomy means the study of the rule, principle and grouping and the naming of organism. Genetic, study of the genes. Developmental biology mean the study of formation and the development of embryo. जैसे for example, egg के अंदर किसी छोटे से embryo चूजे की जो development होती है उसकी study, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं old book के reference से, मैं आपको बता रही हूँ. Environmental biology, what is the relationship between the organism and the non-living factors. Paleontology, the study of the fossil belongs to the plant part. ठीक है ना. Biotechnology, the study of techniques for the manipulation of genes to bring the change in the structure and the location of gene. Sociobiology, the study of social behavior of living organism, interaction between themselves. ये तमाम topics हम अपने old books में कर चुके हैं. Now the 13th topic is the parasitology. This is a new topic. It's mean the study of parasite. वो organism जो किसी living organism के अंदर grow करते हों या उसके ऊपर grow करते हों और they take ready-made food from their host are known as parasite. So parasitology means the study of parasites. आपको screen में तीन और नाम नजर आ रहे होंगे जो आपके बुक्स में नहीं है. मैं आपको यहाँ पे डिटेल इसलिए स्टडी करवा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने आपसे आस्क किया है कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ बायो एलिमेंट्स, एंटोमोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी. बायो एलिमेंट्स की मीन, बायो मीन लाइफ, एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो लिविंग थिंग में बहुत ज्यादा मौजूद हो. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, कार्बन है, कैल्शियम, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. एनी केमिकल एलिमेंट दैट इज फाउंड इन द मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स दैट मेक अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी. द मोस्ट कॉमन बायो एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके पास लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. यानी अगर आप किसी ह्यूमन बीन या किसी भी एनिमल या किसी प्लांट को अगर स्टडी करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं. उसके बाद उसकी बॉडी में नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होते हैं. दीज आर नोन एज द बायो एलिमेंट्स. एंटोमोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. इट इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी जिसके अंदर हम डिटेल स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में. नेक्स्ट वन इज द इम्यूनोलॉजी. Immunology means the branch of medicine and biology concerned with immunity. अब यहाँ पे immunity का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके blood में white blood cells होते हैं और white blood cells जो हैं वो हमारी body में different antibodies produce करते हैं जो different disease से हमें save करते हैं. तो इसके बारे में डिटेल स्टडी जो हम किस ब्रांच पे करते हैं? इम्यूनोलॉजी में. जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों को हम वैक्सीन लगा देते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये इम्यूनाइज हो गए हैं कौन सी डिजीज से, मे बी टीबी से हो गए हैं या मीजल से हो गए हैं. तो दिस इज द डिटेल स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी, अबाउट द इम्यूनिटी, एंड दिस ब्रांच इज नोन एज द इम्यूनोलॉजी. नंबर फोर, यहाँ पे आपके पास 14 नंबर पे लिखा है फार्माकोलॉजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्माकोलॉजी? ड्रग्स, दवाएं, मेडिसिन. ठीक है, द स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग. आपने सुना होगा ना कि फार्मेसी पढ़ रहे हैं, ड्रग्स बनाते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे ड्रग्स से मुराद है मेडिसिन, दवाइयां. फार्मा जो है उसके मीनिंग होते हैं ड्रग्स. तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिससे हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करें, दैट इज नोन एज द फार्माकोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कॉन्स्टिट्यूट द सेल एंड इट्स ऑर्गेनिज. वो बायोलॉजी की ब्रांच जो किसी सेल के बारे में, उसके ऑर्गेनिज के बारे में डिटेल स्टडी करें, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. पेज नंबर फोर इन अ न्यू बुक, और आपके पास ओल्ड बुक में भी आपने इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी की थी. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. ठीक है, डिफरेंट साइंस के साथ इनका क्या रिलेशन है? यहाँ पे हमने बायोफिजिक्स, बायोमेट्री, बायोकेमिस्ट्री,
ये तमाम चीजें हमने पढ़ ली थी। सिर्फ आपके पास बायो ज्योग्राफी नया वर्ड आ रहा है। लास्ट में बिल्कुल देखिए पेज नंबर 4, यस ऑल्सो विजिबल ऑन द स्क्रीन, नंबर 4th वन। बायो ज्योग्राफी मीन इट डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। इसका मतलब हुआ कि वो एनिमल्स, वो लाइफ जो किसी खास एरिया तक महदूद है, फॉर एग्जाम्पल आप सोचें कैंगरू, कोला बेयर, पोलर बेयर, ये एक खास रीजन में मौजूद है। अब कैंगरू कराची में तो नहीं नजर आएंगे आपको, ठीक है ना, अमेरिका में भी नहीं है कैंगरू, ठीक है। पोलर बेयर नॉर्थ पोल, साउथ पोल में आपको वहां पे नजर आएंगे। कोला बेयर, ठीक है, पैंडा, पैंडा भी एक खास जियोग्राफिकल कंडीशन में ही आपको नजर आएंगे। सो इट डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। पेज नंबर 5, बायो इकोनॉमिक्स, इट्स डील विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन और द मिल्क आर कैलकुलेटेड फॉर द कॉस्ट वैल्यू एंड द प्रॉफिट वैल्यू। देखिए बेटा, हम कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं, कोई भी छोटा सा बिजनेस करें या बहुत बड़ा बिजनेस करें, हमारा जो असल मकसद होता है प्रॉफिट को हासिल किया जाए, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी किसी कंट्री की हो या किसी शहर की हो या आप अपने बारे में पूरा डिटेल कर रहे हैं, तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, ठीक है। तो बायो इकोनॉमी यानी बायोलॉजी के हवाले से जो इकोनॉमी होती किसी कंट्री की, कि अगर हम मीट प्रोडक्शन हम देख रहे हैं या मिल्क की प्रोडक्शन देख रहे हैं या राइस है या कोई भी हमारे पास जितने भी ग्रेन्स वगैरह हम उसको कल्टीवेट करें तो हम कितना इससे प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे, दिस ब्रांच इज नोन एज द बायो इकोनॉमिक्स। द न्यू टॉपिक पेज नंबर 5, दिस इज अ न्यू टॉपिक इन योर न्यू बुक, ये आपने अपने पुरानी बुक में नहीं पढ़ा है, ठीक है। कैरियर इन बायोलॉजी, यानी अगर आप बायो पढ़ रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपने बायो पिक किया क्लास 9 में, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बायो पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल में जाएंगे, आप बायो पढ़ेंगे, तो आपके पास कौन कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पे आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, आप कौन सी फील्ड को चूज करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है मेडिसिन एंड सर्जरी, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ठीक है, एग्रीकल्चर में चले गए, फार्मिंग कर ली। सो We will study one by one. Number one, medicine and surgery. बहुत आसान है, आपको समझ में फौरन आ गया कि आप डॉक्टर बन जाएंगे। Medicine deal with the diagnosis and the treatment of disease, and surgery deal with the repair, replacement or the removal the affected organ. Agriculture. ठीक है, पाकिस्तान हमारा जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, तो जितने भी हम बायोलॉजी स्टडी करते हैं तो मोस्टली हमारा पीछे मकसद ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो करें। ये बात मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी समझा चुकी हूँ कि जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो जितना एरिया हमारे पास था उस वक्त हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो 8 करोड़, और अब हमारे पास 22 करोड़, तो हमें उतने ही जमीन पे ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो करना है, तो इसके लिए हम बायो से हेल्प लेते हैं, ठीक है। दिस इज द एग्रीकल्चर। आप बायो पढ़ने के बाद अपना कैरियर एग्रीकल्चर फील्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इन विच वर्क इज कैरीड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वराइटीज ऑफ प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स। यानी हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि हम एक न्यू वैरायटी प्लांट की डेवलप करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी अम्मी से पूछें तो वो कहेंगे कि कीनू जो है पुराने जमाने छोटे छोटे ऑरेंज आते थे, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते थे, ठीक है, लेकिन अब जो हम ऑरेंज खाते हैं बहुत लार्ज साइज के होते हैं, उनकी सीड्स भी बहुत कम होते हैं, तो हमने डेवलपमेंट किया अपने पुराने जितने हमारे प्लांट्स थे उनके अंदर, हम जब डेवलपमेंट लेकर आते तो इसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो बायो पढ़ने के बाद आप हॉर्टिकल्चर में भी अपना फ्यूचर जो है वो
इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरेस्टी नाम से जाहिर है, फॉरेस्ट, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन मैनी काइंड विच लिव देयर, फॉरेस्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स और जो प्लांट्स मौजूद हैं इनको हम कैसे डेवलप करें और कैसे इनका देखभाल करें। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में छांगा मांगा एक हमारे पास ऐसा जंगल है जो मैनग्रोव है, हमने बनाया उसको, नेचुरल नहीं है। और हम इस फॉरेस्ट को इतना इस तरह डेवलप करते हैं कि इसमें बहुत अच्छे किस्म के प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो लिव करें और एडजस्ट करें अपने आप को। फार्मिंग, फार्मिंग, फार्मिंग सिर्फ आपके पास काउ की फार्मिंग नहीं होती। अगर आप नोट करें तो आपके पास फिश की फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्म है, तो हम अपने लिए कैटल को फार्म करते हैं, तो सिर्फ मिल्क मीट नहीं बल्कि हमें लेदर, वुल, उनके बोन से मुख्तलिफ चीज़ें बनाना, ठीक है। तो ये हम अगर बायो पढ़ रहे हैं, हम अपना कैरियर तलाश करना चाह रहे हैं, हम बायो क्यों ले रहे हैं, तो हो सकता है हम इस फील्ड पे चले जाएं, हम फार्मिंग करें, हम बड़ा सा कैटल फार्म खोल लें, हम जो है वो लेदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम अपनी फार्मिंग से वुल हासिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में मोस्टली ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जब पाकिस्तान में हमारे पास ऐसे काउ हैं जो बहुत कम मिल्क देते हैं या उनके पास मीट जो है वो अच्छा नहीं होता है, तो हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलियन काउ हम लेकर आए, ठीक है, या अच्छे बहुत अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस जो हैं वो हम अदर कंट्री से लेकर आते हैं और इन एनिमल्स को क्रॉस करने के बाद न्यू ब्रीडिंग हम प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री। दिस प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, प्रोफेशन है ये, ठीक है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, दे ऑल आर द profession. We can choose the profession by study the biology. Page number 6, fisheries. Fisheries industry, fish क्या हो हम farming करते हैं, बट हम सिर्फ समंदर में जाके fish पकड़ते नहीं, बगर अगर आप note करें तो बड़े बड़े farms बनाए जाते हैं, उसके अंदर हम egg fish के डालने के बाद उनकी growth करते हैं और उसके जरिए हम अपना business start करते हैं, ठीक है। तो हम ये उसी वक्त कर सकते हैं जब हमने बहुत अच्छे biology के field को choose किया हो। And last one is the biotechnology. This is a very important in the sensitive profession. Okay, it deals with the manipulation of gene to produce valuable chemical products such as the insulin, growth hormone, interferon, etc. ये topic हम biotechnology अपने old book में ही पढ़ चुके हैं, वहाँ पर मैंने आपको बहुत detail बताया था कि insulin produce करना है तो हम bacteria के जरिए produce कर सकते हैं, new hormones produce कर सकते हैं, etc. और ये detail मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी। ये हमने बहुत सारे इसकी सूरतें, बहुत सारी आयात पढ़ी थी अपने पुराने ओल्ड बुक्स में, लेकिन ये पेज नंबर 4 और 5 में थी जो हमने डिटेल पढ़ा था, लेकिन आपके पास न्यू बुक में सिर्फ 3 कुरानी आयत है। नंबर 1 इज़ा वजअलना मिनल माए कुल्ली शैइन हय्यन, वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम द वाटर। एंड नंबर 2 आपके पास है कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें बनाई हैं, तमाम एनिमल जो है वो क्रिएट किया है वाटर से। देर आर सम दैट क्रीप ऑन देयर बेली, यानी अपने पेट के बल रेंगते हैं, सम दैट वॉक ऑन 2 legs, 2 पाँव पे चलते हैं, सम वॉक ऑन 2 foot, 4 पाँव पे चलते हैं, और अल्लाह ही है जिसने तमाम चीजें बनाई। यहाँ पे वाटर की इंपॉर्टेंस बताई गई है। ये दोनों आयतें हम अपने ओल्ड बुक में पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 7 में जो आयत है ये भी हमने अपने ओल्ड बुक में पढ़ लिया था, जिसके अंदर उन्होंने अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कुरान में कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई है, और ये सारा डिटेल हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट आपकी ओल्ड बुक में पेज नंबर 11 में था, ये भी हम बहुत डिटेल कर चुके हैं, लेकिन न्यू बुक में आपके पास सिर्फ इन्होंने 3 साइंटिस्ट के नेम दिए हैं, जो जाबिर बिन हय्यान। जाबिर बिन हय्यान हमने डिटेल पढ़ा था, उन्होंने
अल नबातात और अल हैवान बुक लिखी है और ये हम इस पे नोट्स भी लिख चुके हैं। अब्दुल मलिक असमाई, अब्दुल मलिक असमाई ने 5-6 बुक्स लिखी हैं जिसमें अल खेल हॉर्स के बारे में, अल अबील कैमल्स के बारे में, अल शार्क शिप के बारे में, अल वहूश जो है वो वाइल्ड एनिमल में, एंड खलकुल इंसान ह्यूमन बीइंग पे उन्होंने बुक्स जो हैं वो लिखी हैं। थर्ड वन इज द बू अली सीना। बू अली सीना आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, बायो में भी आप पढ़ चुके हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे और इनको हम जो है फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। ये सारे साइंटिस्ट जो है हम पहले अपने पुराने सेशन में लर्न कर चुके हैं। ओके, पेज नंबर 17 पे आइए। अगर आपके पास फोटोकॉपी प्रेजेंट है तो आप पेज नंबर 17 पे, आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, और डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में आपके पास जितने टर्म्स दिए हुए हैं उसमें से कुछ तो हम पहले कर चुके हैं और कुछ हमने नहीं किए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। नंबर 1 एनाटॉमी, ये आपको पेज नंबर 3 पे आंसर मिल जाएगा और ये हम पहले कर चुके हैं। नंबर 2 हिस्टोलॉजी, आपको पेज नंबर 3 पे आंसर मिल जाएगा नई बुक में, ये भी हम कर चुके हैं। नंबर 3 इज इम्यूनोलॉजी, ये भी मैं आपको बताऊंगी, आप इसको आप कर लीजिएगा। नंबर 4 फार्माकोलॉजी, पेज नंबर 4 पे इसका आंसर है। नंबर 5 एंटोमोलॉजी, ये मैं आपको भी बताती हूँ। नंबर 6 बायोमेट्री, हम पहले कर चुके हैं। नंबर 7 बायोजियोग्राफी, पेज नंबर 4 पे इसका आंसर है। नंबर 8 सर्जरी, अभी हमने इसको नहीं पढ़ा है, बाद में करेंगे। नंबर 9 एनिमल हस्बेंड्री, ये भी हमने कर लिया है, ठीक है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 5 में, पेज नंबर 5 में इसका आंसर है। एंड बायो एलिमेंट, बायो एलिमेंट की डेफिनेशन मैं आपको अभी बताती हूँ। इस तरह हमने एनाटॉमी किया हुआ है, फार्माकोलॉजी आपको पेज नंबर 4 पे मिल जाएगा, बायोग्राफी आपको पेज नंबर 4 पे मिल जाएगा, हिस्टोलॉजी पेज नंबर 3 पे है, इम्यूनोलॉजी मैं आपको अभी बताती हूँ, बायोमेट्री पेज नंबर 4, एनिमल हस्बेंड्री भी आपके पास बुक में पेज नंबर 5 में। ओके, बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से कॉपी पे लिख लीजिए। एनी केमिकल एलिमेंट दैट इज फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड दैट मेक अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी, द मोस्ट कॉमन बायो एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट वन इज द एंटोमोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंसेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज द इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजी कंसर्न विद इम्यूनिटी, आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो आप जो उसकी डिटेल आप स्टडी करना चाहें तो आप कहाँ करेंगे, वो आप इम्यूनोलॉजी में करेंगे। बेटा एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए प्लीज, आप अपना अपनी बुक में पेज नंबर आप निकाले। पेज नंबर फाइव में आपको क्या नजर आ रहा है? जी, इट इज अ कैरियर इन बायोलॉजी, कैरियर इन बायोलॉजी। आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द कैरियर ऑफ स्टूडेंट by choosing the subject biology, या what are the career in biology, आप कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर है पेज नंबर 5 पे। नंबर 1 मेडिसिन एंड सर्जरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, बायोटेक्नोलॉजी, तमाम पॉइंट्स आप लिखेंगे। इस तरह आप 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप सारे आप कर सकते हैं, ठीक है, सारे आपको मिल जाएगा। सर्जरी का आंसर भी पेज नंबर 5 में मौजूद है, ठीक है, कि सारे 1 से लेकर 10 है,
दो चार जो है वो आप पहले कर चुके हो, बेशक उसको आप ना कीजिए, रिपीट ना कीजिए, जो न्यू वन है आप सिर्फ उसको लिखेंगे। एंड एक मैंने आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया, आपके बुक में नहीं है, आप पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर द कैरियर इन बायोलॉजी, या हाउ स्टूडेंट फाउंड द कैरियर इन बायोलॉजी, आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, और ये आप पेज नंबर 5 से आंसर डिटेल प्लीज लिख लीजिएगा। दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। स्टूडेंट प्लीज आप इसको अपने ओल्ड बुक को और अपनी नई बुक को सामने रखकर एक दफा अच्छी तरह रीड कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। इंशाल्लाह स्कूल खुलने के बाद आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको एक दफा और इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। इंशाल्लाह टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।